वेलकम टू माय चैनल पी क्यूब ट्रूवेल। दोस्तों आज हम बनाएंगे टेस्टी एंड डिलीशियस सुरमई फिश फ्राई। यहाँ पे मैंने फ्रेश एंड टेंडर सुरमई के दो फिले लिए हैं, उसमें हम लाइम जूस अप्लाई करेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। और लास्ट में 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। दोस्तों ये जो क्वांटिटी है ये दोनों फिलेस के लिए है दोनों साइड से। ऐड करने के बाद इसे हल्के हाथों से इवनली स्प्रेड करना है, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो आपके पीसेस टूट भी सकते हैं। ये रेसिपी के लिए आप पापलेट, बांगड़ा, हलवा, रावर्स या दूसरा कौन सा भी फिश यूज़ कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आपको दूसरे साइड से भी रिपीट करना है। और उसके बाद इसे 20 मिनट्स के लिए हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे। दोस्तों अब हम फिश के लिए मसाला प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले लेंगे 2 टीस्पून मालवई मसाला, फिर उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे, नमक डालेंगे स्वादानुसार, आपके हिसाब से नमक ऐड करना है, फिर डालेंगे 1 टीस्पून इमली का पेस्ट, और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इन सबको अब हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस मसाले की कंसिस्टेंसी ज़्यादा ड्राई भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा लिक्विड भी होनी नहीं चाहिए। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिलाकर इसे हम अभी फिश पे अप्लाई करेंगे। दोस्तों हमने जो मसाला बनाया है उसे हम हल्के हाथों से फिश के ऊपर लाइटली स्प्रेड करेंगे। मेक श्योर आप मसाले को कोने तक स्प्रेड करें क्योंकि हर एक बाइट में आपको मसाले की टेस्ट आनी चाहिए। ये जो मसाला है ये दोनों साइड से काफ़ी अच्छी तरह से अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों मसाला लगाने के बाद अब हम फ्राइंग के लिए कोटिंग तैयार करेंगे। कोटिंग के लिए सबसे पहले हम लेंगे 3 टेबलस्पून रवा, उसमें हम 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर ऐड करेंगे, हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, आप अपने हिसाब से तीखा बढ़ा भी सकते हैं। इसमें हम नमक ऐड करेंगे स्वादानुसार। अब इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। नमक हमने पहले 2 बार भी ऐड किया है तो इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लें। हमारा कोटिंग मिक्सर मैंने एक बड़े डिश में स्प्रेड कर लिया है, उस मिक्सर पर आपको फिश पीस रखना है और फिश पीस को दोनों साइड से अच्छी तरह से कोट करना है। एक साइड कोट होने के बाद आप इसे टर्न करके दूसरे साइड में भी अच्छे से कोटिंग करेंगे। ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, जेंटली लगाना है। सेम टेक्निक आपको बाकी के पीसेस में भी अप्लाई करनी है। सब पीसेस कोट करने के बाद इसे हम अभी शैलो फ्राई करते हैं। दोस्तों शैलो फ्राई करने के लिए आप तवा या पैन भी ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ये जो पूरी शैलो फ्राइंग की प्रोसेस है ये हम मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे। लो एंड स्लो कुकिंग से काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। एक बार तेल गर्म होने के बाद हम उसमें हमारे फिश पीसेस ऐड करेंगे। हर एक साइड में इसे सिर्फ 3 मिनट के ही रखना है। 3 मिनट होने के बाद मैंने इसे टर्न कर लिया है दोस्तों, और देखिए कितना सुंदर सा इसे गोल्डन कलर आया है। फिश काफ़ी टेंडर मीट होता है तो उसके लिए 3 मिनट काफ़ी हो जाते हैं। आपके फिश पीसेस अगर साइज में छोटे हैं तो आप एक साथ ही उन्हें ऐड कर सकते हैं।
दोनों साइड अच्छे से कुक होने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे और दूसरे जो पीसेस है उनको ऐड करेंगे। दोस्तों फ्राई फिश ये कोंकण और गोवा के एक फेमस डेलिकेसी है और यहाँ के हर एक रेस्टोरेंट में आपको मेनू में ये मिल ही जाएंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूलिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल। दोस्तों क्रिस्पी एंड टेस्टी रवा सुरमई फ्राई रेडी है, आप इसको एंजॉय करिएगा। बॉन एपेटिट।